लोगों की आंखों में भी वो क्वेश्चन मार्क लगता था, एक प्रश्नार्थ दिखता था जी, कि तुम कर पाओगे, हो पाएगा। I cried with tears, yeah. I sat in one corner like that and I just cried and I cried and I cried. In one moment, I started questioning my whole life. उसके छह महीने बाद वापस कोई काम नहीं, कहीं नहीं पूछ रहा है। हम एक्टर हैं, काम दोगे क्या? तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। ये कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं। इंडिया के पार्टीशन से पहले दो लोगों ने मिलकर स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी शुरू की, नाम रखा मोहम्मद एंड महिंद्रा, यानी कि M&M। दो साल में एक पार्टनर ने सारे पैसे वापस ले लिए। कंपनी की हालात इतनी खराब थी कि नई स्टेशनरी खरीदने के लिए तक पैसे नहीं थे, इसलिए कोई और नाम रखने की जगह कंपनी का नाम मोहम्मद एंड महिंद्रा से महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। उस हालात से निकलकर आज ये कंपनी इंडिया की टॉप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है, जिसकी एक गाड़ी के लिए 15 महीने तक वेट करना पड़ता है। इन हालातों में ये लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं। एक लड़की जिसके पास जूते खरीदने के लिए तक पैसे नहीं थे, फैमिली की सिचुएशन वर्स थी, उसने ओलंपिक्स में इंडिया के लिए 5 गोल्ड मेडल जीते, जिसके पास कभी खुद के जूते खरीदने के लिए तक पैसे नहीं थे, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी शू कंपनी एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। अगर ये कर सकती है तो तू क्यों नहीं। मारुति 800 खरीदने के लिए जिस बंदे ने 40,000 का लोन लिया था, वो आज BMW का ब्रांड एम्बेसडर है। अगर ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं। अरे तू क्यों किस्मत के भरोसे बैठा है कि किस्मत बदले तो मैं कुछ करूं। हो सकता है किस्मत तेरे भरोसे बैठी हो कि तू कुछ करे तो मैं बदलू। यार जिस बंदे ने 15 के एज में अपने बाप को खो दिया, अपना करियर बनने से पहले अपनी माँ को खो दिया, ना कोई सपोर्ट था ना कोई अपना, इसके बावजूद ये बंदा अगर दुनिया का तीसरा सबसे अमीर एक्टर बन सकता है तो भाई तुझे क्या दिक्कत है, तू क्यों नहीं कर सकता। टी सीरीज का नाम सुना है कभी? हाँ, वही कंपनी जिसके YouTube पर लगभग 22 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, और ये इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी है। उसके फाउंडर यानी कि गुलशन कुमार अपने करियर के शुरुआत में रास्ते पर जूस बेचते थे, उसके बाद उन्होंने ऑडियो कैसेट की दुकान चलाई और बढ़ते बढ़ते म्यूजिक प्रोडक्शन की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। अगर जीरो से शुरुआत करके ये बंदा कर सकता है तो तू क्यों नहीं। सुबह घरों में अखबार डालने वाला बंदा लाइफ में ना जाने कितने फेलियर फेस करके अगर इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है तो भाई आपको किसने रोका है। कहते ना, हर मुश्किल का सामना करना जान लेता है, हर मुश्किल का सामना करना जान लेता है जब इंसान सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। दोस्तों कभी टाइम मिले ना तो इन सारे लोगों की लाइफ स्टोरी एक बार जरूर पढ़ना, रोंगटे नहीं खड़े हुए तो बताना। कुकू FM जैसे ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे कई लोगों की बायोग्राफीज मिल जाएगी जिसको आप कभी भी सुन सकते हो, जैसे कि शाहरुख खान, JRD टाटा, अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अमिताभ बच्चन एंड मेनी मोर। अमिताभ बच्चन के कई सारे फेलियर्स और रिजेक्शन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इवन वो अपनी आवाज की वजह से रेडियो में कई बार रिजेक्ट भी हुए थे, ये भी आप जानते हो, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि आज जिन्हें महानायक अमिताभ बच्चन बोलते हैं उन्हें भी 17 बार फिल्मों में रिजेक्ट कर दिया गया था। इतने रिजेक्शन के बावजूद ये बंदा अपना एम्पायर बना सकता है तो भाई तू क्यों नहीं कर सकता। तू हंसाने के लायक नहीं है, तेरे जोक्स में कोई दम नहीं है, तो अपने गाँव चला जा क्योंकि यहाँ तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। ये बातें सुननी पड़ी थी कॉमेडी शो के ऑडिशन में एक ऐसे बंदे को जिसकी आवाज आज हर वीकेंड में हर घर में घूमती है। ये भी एक कांस्टेबल का बेटा है जो पढ़ाई में भी कोई खास नहीं था, पर इन सब के बावजूद ये बंदा आज इंटरनेशनल स्टार्स के साथ काम करता है। साला जब ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं। वाडनगर जैसे छोटे से गांव में पैदा हुआ एक बंदा जो बचपन में चाय बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट किया करता था, आज वो अगर दुनिया के मोस्ट पावरफुल लीडर्स में शुमार होकर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो दोस्त तू क्यों नहीं कर सकता। यहाँ मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी को हम अवॉइड भी तो नहीं कर सकते। दोस्त इन सब के बावजूद भी अगर तेरे पास कोई बहाना है तो मेरे पास और एक फसाना है। 30 साल की उम्र में अपनी बहादुरी से पूरी ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला देने वाला युवा, जिसने हिंदुस्तान के आंदोलन में एक नई जान फूंक दी और अपने हर एक साथी को अपनी मौत से एक नया जोश दे गया, वो भारत के वीर भगत सिंह अगर कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं। एक लड़की जिसको पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी, घर के हालात इतने खराब थे कि कभी प्रॉपर 2 वक्त का खाना तक नहीं मिला, ना कभी घर वालों का सपोर्ट मिला, वो अगर पहली इंडियन बॉक्सर बनकर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ सकती है, जिसकी जर्नी के ऊपर अगर बॉलीवुड बायोग्राफी बना सकता है तो भाई तेरा कहां पर अटका है। अपनी वेल सेटल जॉब छोड़कर अगर कोई बंदा स्टार्टअप्स में आता है जिसमें वो 2 बार बुरी तरह से फेल होने के बावजूद तीसरा स्टार्टअप शुरू करके उसको 10,000 करोड़ की कंपनी बनाकर दिखाता है तो बॉस तू कहां पर अटका है। भाई ऐसे एग्जांपल्स बहुत है, इनके बाप दादा ने कुछ नहीं उखाड़ा था, इसके बावजूद उन्होंने झंडे गाड़ दिए। इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि भाई हम लोग जो बोलते हैं ना वो बहाने हैं, वरना लाखों मुसीबतों के बावजूद भी ये लोग तो कर ही जाते हैं ना। मेरा बस आप लोगों से सिर्फ इतना सवाल है कि अगर ये कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं। सोचना और कमेंट में जवाब जरूर देना।